नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले की थाना पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में टीम के साथ गुंडों बदमाशों के घर जाकर दबिश दे रही है और उनको समझा रही है किसी भी प्रकार का अपराध न करें वरना सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। बुधवार को थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल अपनी टीम के साथ क्षेत्र के आदतन गुंडे बदमाश और असामाजिक तत्वों के घर पहुंचे और सख्त हिदायत दी। यहां पुलिस टीम में लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी शामिल रहे। यहां पुलिस अपराधी के घर पहुंचकर उनको समझा रही है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना है, अच्छे से आपके परिवार के साथ आपको मिलकर रहना है और अच्छा कार्य करना है। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान पर अपराधों पर अंकुश लग चुका है क्योंकि जितने भी बदमाश हैं सभी को चिन्हित कर लिया गया है और उनका फोटो थाने में लगा दिया गया है। कहीं भी यदि अपराध करने की सूचना आती है तो तुरंत उनका फोटो और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। हालांकि यहां अपराध से पहले ही अभियान के तहत महाकाल पुलिस गुंडों बदमाशों के घर दबिश देकर समझा रही है। ये पुलिस की रूटीन चेकिंग होती है। थाना महाकाल क्षेत्र के अंदर रहने वाले गुंडे बदमाश और जो आपराधिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उनको समझाई दी जा रही है अपराध जगत से दूर रहने की। उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं, अगर कोई आपराधिक तत्व में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी सुबह से कितने लोगों को चेक कर लिया? सुबह से अभी तक 4 हम लोगों ने गुंडे बदमाशों के घर चेक किए हैं और भी अब थाना क्षेत्र में निकल रहे हैं। प्रत्येक गुंडे बदमाश के घर पे पूरे पुलिस के जवान और फोर्स जा रहे हैं और आसपास भी ये दे रहे हैं, मुखबिर भी बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसी अवैधानिक गतिविधि चलती तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे रहे हैं।